नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीइंग अवेयर में। बीइंग अवेयर के इस वीडियो में आज हम भारतीय संविधान या राज व्यवस्था के संविधान निर्माण विषय पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस का मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है आपके आने वाली सभी परीक्षाओं हेतु रिवीजन वीडियो के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है और ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी टॉपिक को स्टडी करने के बाद इस वीडियो को देखकर उसे आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करो उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियोस को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएँ। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये वीडियो बना रहा हूँ पर ये जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो इसमें मुझे आप लोगों की सख्त ज़रूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा उठाने में मदद करें, मेरी भी और उनकी भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? भारतीय संविधान का जो सर्वप्रथम गठन के लिए जो विचार था संविधान सभा का, वो M.N. रॉय ने रखा था। ये एक वामपंथी नेता थे, ठीक है ना। 1934 में इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के गठन के लिए मांग की थी। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के आसपास संविधान सभा के गठन की मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान होगा वो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, इसमें किसी भी बाहरी प्रकार की कोई शक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और इसी संविधान सभा की मांग को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने भी, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने भी मांगों को मानना चालू किया। और सर्वप्रथम 1940 में मांग को मानते हुए अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव था। फिर संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के आधार पर किया गया था? संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था, जो कि 1946 में आया था। ठीक है, इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर जो है इसका गठन किया गया था। क्रिप्स मिशन जो है 1942 और अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। और माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को आज़ादी प्रदान की गई थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्यों में कितनी सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी? ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट एज मच एज यू कैन। ठीक है ना, तो संविधान सभा में टोटल 389 सीट्स थी। ठीक है ना, जिसमें से ये जो 296 सीटें हैं ये ब्रिटिश जो प्रांत थे उनके पास थी और देसी रियासतों के पास ये 93 सीट्स थी। ठीक है ना, तो ये जो देसी रियासतों के पास जो सीटों की संख्या थी वो 93 और इसका करेक्ट आंसर 93 होगा। टोटल 389 सीट्स थी, 296 ब्रिटिशर्स के पास थी, जिसमें से कि 292 जो है 11 गवर्नर प्रांतों से हो जा की जानी, मतलब 11 गवर्नर प्रांतों के पास थी, जिसमें वोटिंग के आधार पर चुनाव के आधार पर जो है सीटों को भरा जाना था। और ये जो चार सीटें बची हुई है वो चार सीटों चार आयुक्त के प्रांतों के पास थी। ठीक है ना, तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन करें। ठीक है, हर प्रांतों में देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। हाँ, सीटों का जो बंटवारा था वो जनसंख्या के अनुपात में था। संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, ये गलत है। ठीक है ना, संविधान सभा
पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी, संविधान सभा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, ठीक है ना, मतलब आंशिक रूप से निर्वाचन हुआ था, क्योंकि जैसे कि देसी रियासतों को 93 सीट्स दी गई थी, तो उनमें से 93 सीट्स में जो है, जो 93 सीट्स जो दी गई थी इनको, उसमें जो इनके प्रतिनिधि जाने वाले थे जो 93 सीटों पे, वो राजप्रमुख द्वारा डायरेक्ट नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, वो चुनाव नहीं हुआ था उसके लिए, ठीक है ना। तो ये आंशिक रूप से जो है चुनी हुई थी, पूर्ण रूप से चुनी हुई नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया, हाँ यही वाली बात मैंने अभी बोली। और एक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया गया था, हाँ यदि किसी समुदाय को जो सीट बांटी गई है किसी प्रांत या पर्टिकुलर समुदाय के लिए, ठीक है ना, तो वो जो चुनाव, वो जो वोटिंग का जो पैटर्न था वो एकल संक्रमणीय मत था, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की बैठक या प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, ठीक है। और एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना, ये उपाध्यक्ष चुना गया था एच सी मुखर्जी को। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है ना। ये कब किया था? 13 दिसंबर को। 11 दिसंबर को स्थाई अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। 9 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है? माउंटबेटन योजना भारत को आज़ादी प्रदान करने से संबंधित है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी को गान, गीत, पति, मतलब राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति, ठीक है ना, इन तीनों का जो चयन किया गया था, ठीक है ना। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति का चयन 24 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा? संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ऑन टिप्स होना चाहिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो व्यापम के एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ऐसे ही गूगली मार दी जाती है और ऑप्शंस बहुत क्लोज रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको तो एकदम गिलास में घोट के पी जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है ना। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखो संविधान सभा की जो समितियाँ थी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उनको देख लेते हैं। संघ संविधान, देखो संघ शक्ति समिति थी ये, इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष, है ना। और जो अब संघ संविधान समिति है, जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रारूप समिति का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जे बी कृपलानी जी हैं। अल्पसंख्यक उप समिति का एच सी मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति का डॉक्टर के मुंशी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये समितियाँ आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस रहते हैं ये, संविधान सभा से सबसे ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी इन्हीं क्वेश्चंस में से होती है। तो इन समिति को वीडियो पॉज करके आराम से मन में 2-3 बार दोहराएं, जिससे आपको याद हो या और कोई सा पॉइंट स्लिप कर रहे हो तो वो ठीक हो, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति का गठन किस दिन किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बीआर अंबेडकर, ठीक है ना। ये रही प्रारूप समिति, इनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बीआर अंबेडकर, ठीक है ना। प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करने की, देखो ऐसा रहता है ना कि आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले एक शेड्यूल बनाते हैं ना कि आज आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है या आपको ये काम आज करने हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आप काम करते हैं पूरा दिन भर, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप, हम यदि देश का संविधान बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाए, कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए जाएँ, हमारा देश का संविधान कैसा होगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रारूप था उसी को प्रारूप कहा है, और इसे तैयार करने की जिम्मेदारी जो है एक समिति को दी गई जिसमें 7 सदस्य थे, ठीक है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और उनके 7 सदस्य एन गोपाल स्वामी अय्यंगर, अल्लादी स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी टी कृष्णाचारी, ठीक है। ये 7 सदस्य इसके सदस्य थे, ठीक है ना। इन्होंने विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद प्रथम प्रारूप फरवरी 1948 को प्रकाशित किया और दूसरा प्रारूप 1948 अक्टूबर में प्रकाशित किया गया, ठीक है ना। तो ये जो 7 सदस्य हैं ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, ठीक है ना। देखो क्या था कि भारतीय संविधान में जो टोटल अनुच्छेद थे उसमें से जो 15 अनुच्छेद हैं, ठीक है ना, वो 26 नवंबर जिस दिन संविधान सभा की कंप्लीट हुआ था, संविधान हमारा बनना, ये संविधान उसी दिन, ये जो अनुच्छेद 15 अनुच्छेद ये उसी दिन लागू कर दिए गए थे, ठीक है ना। और बाकी जो पूरा संविधान प्रवर्तन में आया था वो 26 जनवरी को आया था, ठीक है ना। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना, जिसमें से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आर्टिकल्स थे भारतीय संविधान के, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 60, फिर उसके बाद 324, फिर 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये 15 अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हाँ, ठीक है ना, ये सारे आपको याद होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और खैर मैं नेक्स्ट वीडियोस में इन आर्टिकल्स पे अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये आर्टिकल्स एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये तो अपने आप में नागरिकता का एक भाग है, ये राष्ट्रपति का भाग है, चुनाव आयोग का भाग है, ठीक है ना। तो ये सारे अलग अलग पार्ट हैं जिसे हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, ठीक है ना। दूसरी अनुसूची, देखो दूसरी है, देखो दूसरी अनुसूची इनमें से किसी से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। वो दूसरी अनुसूची है वेतन और भत्तों से संबंधित,
ठीक है ना। दूसरी अनुसूची है वेतन और भत्तों से संबंधित, ठीक है ना। वेतन और भत्ते किन के, जो हमारे देश के जो भी सीनियर मोस्ट लोग हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हुए, राज्यपाल हुए, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, भारतीय कैग, UPSC, इनके जो मेंबर्स हैं उनकी सबके वेतन और भत्ते अनुसूची दो में दिए गए हैं, ठीक है। और अनुसूची एक में क्या दिया गया, देखो 12 अनुसूची हैं, 12 की 12 आपको ऑन टिप्स याद होनी चाहिए, यदि नहीं है तो कर लें और यदि हैं तो रिवाइज कर लेते हैं। पहली है राज्य और राज्य क्षेत्रों से, ठीक है ना। पहली राज्य, उनके नाम, उनका क्षेत्र, ठीक है ना, उनकी सीमाएं क्या हैं। दूसरा है वेतन और भत्ते, ठीक है ना, जो प्रमुख अधिकारी हैं जो भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं उनके वेतन और भत्तों से हैं, ठीक है। और तीसरी जो अनुसूची है इसमें शपथ और प्रतिज्ञान है, ठीक है ना, शपथ और प्रतिज्ञान, ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, ठीक है। पांचवी अनुसूची में, पांचवी में क्या है, पांचवी में जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है ना, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ठीक है ना, जनजातीय इलाके जो हैं उनके प्रशासन के बारे में है। और छठवीं अनुसूची में जो AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चार राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं, ठीक है ना, छठवीं अनुसूची में AMTM। जबकि पांचवी अनुसूची में जो सिर्फ जनजातीय क्षेत्र हैं पूरे देश में, ठीक है ना, उनके बारे में प्रबंध है, और छठवीं में सिर्फ चार राज्यों के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट अनुसूची पे चलते हैं। सातवीं अनुसूची में विषयों का विभाजन है, ठीक है ना, सातवीं अनुसूची में विषयों का विभाजन है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है ना, ये आर्टिकल 246 से रिलेटेड है, है ना। और आठवीं अनुसूची जो है, आठवीं यहाँ पर लिख देता हूँ, आठवीं अनुसूची इसमें भाषाएं दी गई है, संविधान की भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाएं, 22 भाषाएं हैं संविधान में हमारी मान्यता प्राप्त, ठीक है ना। कौन कौन सी है वो 22 के नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। तो जो अभी रिसेंटली जो संविधान संशोधन हुए ना, उन्हें तो आप एटलीस्ट याद ही कर लीजिएगा, है ना। तो अभी नौवीं अनुसूची क्या है, तो नौवीं अनुसूची जो है वो एक्चुअली ये जो 1951 में ये फर्स्ट संविधान संशोधन है, पहला, तो आप इसमें ये याद रखें, ठीक है ना, ये पहला संविधान संशोधन है। और इसमें, इस अनुसूची में जो भी चीज़ डाली जाती है वो न्यायिक समीक्षा की, उससे बाहर हो जाती है, ठीक है ना, उस पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस अनुसूची का निर्माण किया गया था, हालांकि इसकी तो उपयोगिता या ख़त्म हो गई है आज की तारीख में, ठीक है ना। और इसको हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये 31 ख आर्टिकल से संबंधित है ना, जो मूल अधिकार में जो 31 ख से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची आप सभी को पता होगा दल बदल के आधार पर है, और 11वीं और 12वीं अनुसूची भी पता ही होगी। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों पर आधारित है, उनके आधार, उनकी शक्तियाँ, उनकी जिम्मेदारियाँ, उनके कार्य, ठीक है। और 12वीं जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, उनके कार्य, अधिकार, शक्तियाँ, जिम्मेदारी सभी 12वीं अनुसूची में दी गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने सारी अनुसूचियों का रिवीजन कर लिया है, ये भी छूट है मत, ठीक है ना। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कौन सी अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधानों का प्रबंध किया गया है, तो ये 10वीं अनुसूची है, मैंने बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान संविधान है। अच्छा, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना? तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखो, कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है, ये भी एक फेवरेट टॉपिक रहा है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका, तो ये भी आपको ऑन टिप्स रहना चाहिए। मैंने एक लिस्ट दी है आपको, देता हूँ, बताता हूँ मैं, वो लिस्ट को आपको बाय हार्ट याद रखना है और उससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है ना? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को, है ना, ध्यान से सुनना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध के प्रशासनिक जो विवरण है वो, ठीक है ना, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन का संविधान है उसे संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, ठीक है, और एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय समिति या मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सब हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है ना? एक चीज़ थी विधायी प्रक्रिया, मतलब जो लेजिस्लेचर या जो बिल या जो अधिनियम पास कराने की जो तरीके हैं ये उससे संबंधित है विधायी प्रक्रिया, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया है, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया है, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों को पद से हटाना है उसकी जो प्रोसेस है वो भी हमने यहीं से ली है, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हमने यहीं से लिया गया है, ठीक है। और आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा का संविधान से हमने क्या लिया है, कनाडा के संविधान से सबसे इम्पोर्टेंट हमने संघीय व्यवस्था लिया है, ठीक है ना, हमारा जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा पर आधारित है, यूएसए पर नहीं, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के हाथ में होगी, ये भी हमने कनाडा से ही लिया है। केंद्र और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। उच्चतम न्यायालय के परामर्श, न्याय निर्णय, ये भी हमने कनाडा से लिया है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उससे सबसे इम्पोर्टेंट हमने समवर्ती सूची ली है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली है, आर्टिकल 300, ठीक है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ डू रिमेंबर इट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब उस पर चलते हैं नेक्स्ट पे। जर्मनी के सिद्धांत से हमने, देखो ध्यान से पढ़ना, जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से, संविधान से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया है, ठीक है ना। आपातकाल का जो प्रावधान है वो नहीं लिया है, आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन है वो लिया है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोवियत संघ का संविधान से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय का आदर्श हमने रूस से लिया है, सोवियत संघ से। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। और जापान से हमने ऑब्वियसली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है, ठीक है। ये सारे प्रावधान थे हमने जो जो विभिन्न संविधानों से लिए हैं, हमने वो डिस्कस किए अभी अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ 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 डू लाइक इट एंड डू शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट मेरे वीडियोज़ के डायरेक्टली नोटिफिकेशन आप तक आएँ। और यदि आपके किसी प्रकार के सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करें। और यदि इससे पहले मैं और भी वीडियोज़ डाल चुका हूँ, जैसे
प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी के पेपर्स और भी जो है इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी चल ही रहा है, एमपीजीके के वीडियोस डाल चुका हूँ, तो उसके प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे देखें, ठीक है। उससे आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मदद होगी। थैंक यू वेरी मच।